हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की यूनिट 2 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। जब आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने आता है आपकी कंपनी में, चाहे वो सर्विस लेने आए चाहे वो प्रोडक्ट खरीदने आए, तो उसकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बेसिकली वो कुछ परसेप्शंस लेकर आता है। अब जनरली वो परसेप्शन अपने माइंड में नहीं बनाता है, वो जनरली एडवर्टीजमेंट्स देख के, लोगों से सुन के उसके मन में एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ, ये इस जगह से अगर मैं जाके कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मुझे इस तरीके का गुड्स या सर्विसेज वहाँ पर मिलेंगी। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं कि आपका कस्टमर एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप मेरी कोचिंग में आ रहे हैं तो, या फिर मेरी आप क्लासेस देख रहे हैं ऑनलाइन, तो आपका एक एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पे। तो आपका मुझसे एकदम बेसिक एक्सपेक्टेशंस है। अब इसी के ना अलग अलग लेवल्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, जो कि आप, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट सर्विस में जा रहे हैं, तो आप हर एक रेस्टोरेंट में आप सेम सर्विस की आप एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप एक 7-स्टार होटल में अगर आप लंच करने जा रहे हैं, और अगर आप एक लोकल कहीं पे भी, जैसे ठेले लगते हैं, रेडीज लगते हैं, या फिर नॉर्मल स्टॉल्स लगते हैं, फूड ट्रक पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको सर्विस मिलेगी और जो आपको 7-स्टार होटल में सर्विस मिलेगी, वहाँ उन दोनों में ही डिफरेंस होगा। तो आप जो एक्सपेक्टेशन 7-स्टार होटल में लेके जाओगे, वो सेम एक्सपेक्टेशन आप एक फूड ट्रक पे लेके नहीं जा सकते हो। तो वही क्लासिफाई करता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस किस लेवल की हो सकती हैं। सो देयर आर बेसिकली दिस 5-6 कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहले आता है एक आपका एक आइडल एक्सपेक्टेशन। आइडल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली जाते हैं। मान लीजिए आप किस कोई या कि आपके पास एक स्टोर है या फिर कोई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप एक कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे जाते हो, जहाँ जिसके बारे में आपको प्राइस नॉलेज बहुत अच्छे से, जहाँ पे आपको उनके टेस्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से, आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं क्या चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं, सो यू हैव द कंप्लीट एक्सपेक्टेशंस। तो वो एक आपके आइडल एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हाँ, आप जाओगे वो एक कंप्लीट अपनी SOP फॉलो करेंगे और आपको एक सेम प्रोडक्ट हमेशा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डोमिनोज जाओगे, तो डोमिनोज की उनके पास एक रेसिपी है। अब वो एक रेसिपी आप दुनिया में कहीं पे भी, किसी भी डोमिनोज में चले जाओ, आपको सेम एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल की जाएंगी। उनका मेन्यू सेम रहेगा, उनका प्राइस सेम रहेगा, प्राइस जनरली कंट्री वाइज रहता है क्योंकि सबकी इकोनॉमी अलग अलग रहती है, तो वो थोड़ा बहुत मेन्यू में चेंज करते हैं। जैसे इंडिया में आते हैं तो कल्चरल हेरिटेज बेसिस पे वो लोग थोड़ा अपना चेंज करते हैं मेन्यू को भी, और इकोनॉमी के बेसिस पे वो लोग प्राइस को भी चेंज करते हैं, बट उनका जो जनरल SOP है वो ऑलमोस्ट हर जगह आपको सेम मिलता है। आपको सिटिंग हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, आपको वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेम तरीके की मिलेगी, आपको सर्विसेज हर जगह पे एकदम सेम तरीके की मिलेंगी। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन, ये एक बेसिकली शुड हैव एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप, हाँ, किसी एक नई जगह पे जा रहे हो तो आपने एक नाम सुना हुआ है इस जगह का, तो आप एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी सिटी में फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम स्टारबक्स खुल रहा है, आप स्टारबक्स के इंडिया में बहुत ज्यादा हाइप है, तो आपके मन में क्या रहेगा कि आज स्टारबक्स की कॉफी कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल कॉफी रहेगी जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। और अगर आप वहां पे जाओ और वैसी उसी तरीके की आपको एक एक्सपीरियंस मिले, मतलब जो आज तक आप एक लोकल शॉप पे अगर आप कॉफ़ी पीते थे, आप CCD गए होगे, आप इंडियन कॉफ़ी हाउस गए होगे, आप ऐसे बहुत सारी कॉफ़ी हाउसेस पे गए होगे, बट आपको वो एक्सपीरियंस शायद ना मिला हो जो आपको स्टारबक्स में जाके मिलेगा। अब वो सिर्फ कॉफ़ी के टेस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे जो आप टाइम स्पेंड करोगे उससे रिलेटेड भी एक्सपीरियंस है, तो वो आपका एक नॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा हूँ और ये एक्सपेक्टेशंस मेरे को हर जगह पे एक चीज़ एक सेम तरीके से क्लासिफाइड मिलेगी। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस। अब मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अगेन आप यू आर अ कस्टमर कंटिन्यूस कंज्यूमर ओवर देयर, बट आप जब वीकडेज में जाते हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे, वो अच्छा है, आपको टेस्ट देते हैं, आपको क्विक सर्विस देते हैं वहाँ पे जब आप वीकडेज में जाते हो। बट वीकेंड्स पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है और वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं आपको सर्विस देने में। तो आपका एक एक्सपीरियंस बन गया कि अगर मेरे को इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है तो इसी टाइम पे जाना है, मैं अगर यहाँ पे 8 बजे के बाद गया तो हो सकता है मेरे को अच्छा टेस्ट ना मिले, हो सकता है मैं वीकेंड्स पे गया तो मुझे अच्छा टेस्ट ना मिले, तो मुझे कब जाना है किस टाइम पे जाना है उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। तब कौन सा शेफ बना रहा है, मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट चलती हैं, सुबह अलग शेफ रहता है शाम अलग शेफ रहता है, तो हो सकता है शाम को जो शेफ आता हो वो बहुत अच्छी डिशेज कुक करता हो, सुबह वाला शायद उतनी अच्छी कुक ना करता हो। सो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आपने एक्सपेक्टेशंस उसी अकॉर्डिंग बना के रखे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेबल एक्सपेक्टेशन। आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हो जहाँ पे आपके पास आप जान चुके हो कि हाँ, इनका टेस्ट ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है, इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप एक्सेप्ट करके चलते हो कि हाँ, इनसे मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी। और उसी के बाद है मिनिमम टॉलरेंस एक्सपेक्टेशन, जो कि एक्सेप्टेबल की कंडीशन में आती है, लेकिन मतलब आपको पता है कि इनका एकदम, मान लीजिए आप थिएटर गए हो तो आपके पास जो PVR जा रहे हो तो PVR में आपको एक आइडियल एक्सपेक्टेशंस मिलती हैं, बट अगर आप किसी एक बहुत ही पुराने थिएटर में जा रहे हो, आपकी सिटी में 50-60 साल से एक कोई थिएटर है और वो थिएटर में
कभी भी कुछ भी नया अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आप उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करोगे, तो आपके उनसे एक जीरो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, उसको हम मिनिमम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, बिकॉज वो एक मिनिमम प्राइस पे दे रहे हैं। अगर वो प्राइसिंग करने लगे जो PVR आपको चार्ज करता है, तो वहां पे आपको वो सर्विस एकदम बेकार लगने लगेगी, वो आपके फिर मिनिमम टॉलरेंस से भी नीचे चली जाएगी। अब इसी बेसिस पे यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज बना के रखी हैं, एक है डिजायर्ड सर्विस और एक है एडिक्वेट सर्विस। डिजायर्ड सर्विस आपकी आइडल एक्सपेक्टेशंस और एडिक्वेट सर्विस आपकी मिनिमम टॉलरेंस एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो 7-star होटल में जाके और आपको वहां पे जाके बहुत अच्छा क्यूजीन मिल रहा है, तो आपकी वो डिजायर्ड सर्विस थी कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और मेरे को एक अच्छी सर्विस मिली, सो आप उससे वहां से जाके सेटिस्फाई होकर आओगे। बट अगर आपने कहीं पर जाके एकदम बिल्कुल ही कम पैसा खर्च किया हुआ है बट आपको एक हाँ मिनिमम सर्विस मिल गई, जैसे कि आप कोई एक नॉर्मल होटल पर गए, नॉर्मल होटल का रेट आपको मिल गया 800 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़, और आपके उन्होंने आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर दी, तो आप वो उसको मानोगे एक एडिक्वेट सर्विस थी। और इसी के बीच में रहता है जोन ऑफ टॉलरेंस कि आप उतनी एक्सपेक्टेशंस को उतनी आपकी सर्विसेज को टॉलरेट कर सकते हो, बट अगर इससे भी खराब हो जाए, एडिक्वेट सर्विस से भी आपका खराब हो जाए आपका एक्सपीरियंस, तो वो चला जाएगा आपका बिलो द टॉलरेंस लेवल, तब जाके आप सोच लोगे कि मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पे वापस नहीं आना है, और उसी सर्विस की आप देखोगे कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो सर्विस कंटिन्यू नहीं होगी, वो एक टाइम पे जाके डिसकंटिन्यू हो जाएगी, लोग वहां पे जाना छोड़ देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द परसेप्शन, अब परसेप्शन इंसान का क्या होता है कि आपने टेलीविजन पे सुना, टेलीविजन पे एड्स देखी हैं, आपने सोशल मीडिया पे एड्स देखी हैं, आपने अपने दोस्तों से फैमिली से किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बहुत अच्छा सुना है, तो आपने अपने मन में एक परसेप्शन बना लिया है कि हाँ मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा डिलीशियस खाना मिलने वाला है और बहुत अच्छे प्राइस पे मिलने वाला है, मैं इस थिएटर में जाऊंगा तो वहां पे मेरे को साउंड सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा, मेरे को वहां पे सिटिंग बहुत कंफर्टेबल मिलेगी, वहां पे टिकटिंग काउंटर पे बहुत इजी अच्छी हॉस्पिटैलिटी वगैरह बहुत अच्छा है। आपने एक लोगों से सुन के अपने मन एक परसेप्शन बना लिया है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो अब ये परसेप्शन को क्या कंपनीज की क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं जिससे वो कस्टमर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर पाए, हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही एक मिनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक का हो बट आपने एडवर्टीजमेंट से उसको बहुत अच्छा कर दिया है, सो क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। सबसे पहले आती है आपकी रिटेल स्ट्रेटजी, आपका प्रोडक्ट में मान लीजिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बट आपका जो रिटेल काउंटर पर आपका जो सेल्स पर्सन बैठा हुआ है वो उसको पिच बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसके पास सेल्स क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसके थ्रू वो एक बहुत ही बेसिक स्मार्टफोन को भी एक एप्पल के बराबरी से दिखा सकता है। सो वो आपके एक रिटेल स्ट्रेटजीज होती हैं, आपका सेल्स में उतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप सामने वाला जो कस्टमर उसका परसेप्शन चेंज कर पाओ और जो वो प्रोडक्ट खरीदने आया है आप उसको स्विच कर दो किसी दूसरे प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट इज ब्रांड नेम एंड लोगो डेवलपमेंट, जैसे हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, नो डाउट कि वो फोन भी बहुत अच्छा है बट कंपैरेटिवली जैसे सैमसंग है, हमारे पास वन प्लस है, उससे कितना बेहतर है और जो कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं क्या वो उनको उस पर्टिकुलर फोन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं या फिर वो सिर्फ ब्रांड नेम सुन के वो सिर्फ लोगों को, आप जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल जो यूजर्स होते हैं आईफोन यूजर्स होते हैं वो मिरर सेल्फीज लेते हैं, क्यों देखते हैं क्योंकि उसमें उसका एप्पल का लोगो बना हुआ है, वो लोगों के लिए ही वो पैसे खर्च करते हैं, तो वो सिर्फ लोगो या ब्रांड नेम के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग और हो सकता है कि वो उसके फीचर्स के बारे में ना सुने, वो एक बहुत ही आउटडेटेड फोन भी खरीद सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ब्रांड। नेक्स्ट इज मीडिया स्ट्रैटेजी, आप सोशल मीडिया पे किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप मान्यवर के आपने अपने अपने एक वेस्टर्न वेडिंग्स पे आपने देखा होगा कि जो सॉरी इंडियन वेडिंग्स पे आपने देखा होगा कि आप जब भी शादी देख रहे हैं या फिर दिवाली का फेस्टिव सीजन देख रहे हैं तो उस टाइम पे मान्यवर अपने आप को पोर्ट्रे करता है कि आप इंडियन वेयर कीजिए तभी आपको शादी वाली फील आएगी, तो उन्होंने इन्फ्लुएंसर किसको लिया, रणवीर सिंह को लिया, अनुष्का को लिया, आलिया को लिया, रणबीर को लिया, विराट कोहली को लिया, ये ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके जो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको इंडिया अपना आइडल मानता है, उनको फॉलो करता है, तो आपकी मीडिया स्ट्रैटेजीज कैसी हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा ना हो बट अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर विराट पहनेगा, रणबीर पहनेगा तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और हो सकता है बहुत ही ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज भी करें। एंड एट द एंड एडवर्टीजमेंट एंड पैकेजिंग डिजाइन, आप अपने टेलीविजन पे होर्डिंग्स पे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट कीजिए कि लोग उसको देख के आपका परसेप्शन अच्छा बना लें। आपने बहुत बार देखा हो कि आप टेलीविजन पे देखते हैं वहां पे बहुत ज्यादा शाइनी दिखता है, बहुत ज्यादा आई कैची लगता है, बट जब आपको रियलिटी
रियलिटी में देखता है तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता, बिकॉज ऑब्वियसली वो एडवर्टीजमेंट बनाते वक्त उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड करके दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके दिखाते हैं। एंड सिमिलरली आप अपना पैकेज अगर अच्छा रखोगे, आप अगर जैसे हम देखते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो आप जितना अच्छा दिखाओगे उतना ज़्यादा वो बिकेगा। मान लीजिए आप झंडू आम बना रहे हैं और झंडू आम के पैकेजिंग आप बहुत अच्छी बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी सेल्स उसकी भी बहुत ज़्यादा हो जाए, दो आपका प्रोडक्ट बहुत ही एक नीश प्रोडक्ट था या फिर उस कैटेगरी का नहीं था जहाँ पर आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाओ। सो दीज वर द फ्यू स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आप कस्टमर के परसेप्शन को चेंज कर सकते हो। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।